हेलो दोस्तों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले मैंने इसके 5 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज इसमें टॉपिक लिया गया है वैद्युत दुध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये टॉपिक जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अक्सर क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान जो होता है वो शून्य होता है। याद रखिएगा, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो ये क्वेश्चन जो है सिद्ध करने के लिए आता है। तो आज यहाँ पर हम लोग निरक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत विभव का निर्धारण करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको वैद्युत दुध्रुव के बारे में बताया गया है कि वैद्युत दुध्रुव जो होता है वो दो आवेशों से मिलकर बनता है, जिसमें दोनों आवेशों के परिमाण जो होते हैं वो समान होते हैं। यानी कि जैसे पहला आवेश Q और दूसरा आवेश भी Q, तो दोनों के परिमाण जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन एक आवेश माइनस और दूसरा आवेश प्लस, यानी कि दोनों की प्रकृति जो होती है वो विपरीत होती है। तो इन दो आवेशों से मिलकर जो है वैद्युत दुध्रुव बनता है। दोनों आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत होते हैं। और यहाँ पर जो वैद्युत दुध्रुव की लंबाई होती है वो टोटल लंबाई होती है 2L। तो आज हम लोग जो है इस वैद्युत दुध्रुव के कारण जो है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का मतलब ध्यान दीजिए, आपको इसके पहले बताया गया था कि अगर इसी रेखा के इसी अक्ष पर, जैसे ये रेखा दी गई है, अगर इसी रेखा में आगे कहीं कोई बिंदु ले लिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति, यानी कि वो बिंदु जो है इसी अक्ष पर लिया गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिंदु लिया जाए जो इस अक्ष के लंबवत, यानी कि इस प्रकार से इस अक्ष के लंबवत, या फिर कह सकते हैं किसी दूसरे अक्ष पर निरक्षी, यानी कि उस अक्ष पर ना हो, तो यहाँ पर हम लोग एक बिंदु लेंगे पी, यानी कि जो इस अक्ष के निरक्षी रेखा पर स्थित है, यानी कि इसी अक्ष पर नहीं स्थित है। तो यहाँ पर जो बिंदु P लिया जाएगा ये लंबार्धक दूरी पर होने, तो लंबार्धक का मतलब है कि जो दूरी ली गई है ये वैद्युत दुध्रुव पर लंब है। इसके अलावा अर्धक का मतलब ये वैद्युत दुध्रुव के मध्य बिंदु से दी गई है। तो यहाँ पर वैद्युत दुध्रुव के मध्य बिंदु से जो है इस पी की दूरी आपको मान लेना है आर। तो हम लोग इस बिंदु पी पर जो है वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो बिंदु पी लिया गया है यहाँ पर हम लोग इस बिंदु की जो है प्लस क्यू आवेश दूरी और इसके अलावा माइनस क्यू आवेश दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि जिस बिंदु पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है ये बिंदु है ए, और जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है ये बिंदु है बी। तो अभी आपको बताया गया था कि ये मध्य बिंदु है वैद्युत दुध्रुव का, यानी कि जो बिंदु लिया गया है ये इसके लंबार्धक, लंबार्धक का मतलब वैद्युत दुध्रुव के मध्य बिंदु से लिया गया है। तो यहाँ पर ये दूरी मानी गई है आर, ये मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पर इस आधे भाग की लंबाई एल और इस आधे भाग की लंबाई आपको मान लेना है एल। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, आप इसमें आप सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत दुध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 2L है। इस वैद्युत दुध्रुव के मध्य बिंदु O, इस मध्य बिंदु को मान लेना है आपको O, तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण जो है बिंदु पी पर विभव ज्ञात करेंगे। तो यहां पर आपको लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण जो है बिंदु पी पर वैद्युत विभव लिखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, इसलिए उसको हम लोग मान लेते हैं V1। और यहां पर ध्यान दीजिए, और इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जो वैद्युत दुध्रुव रखा गया है ये एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K। आप चाहे तो इससे वायु में रख के हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप परावैद्युतांक की सहायता से हल कर लीजिए, बाद में वायु का ज्ञात करने के लिए सीधे आप K का मान 1 यूज करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये मान लिया गया कि जो वैद्युत दुध्रुव था ये K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो अगर इसके अनुसार हम लोग यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव का सूत्र लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट के इंटू होता है क्यू बाई आर। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्यू बाई आर, आर का मतलब ये दूरी, तो प्लस क्यू से लेके पी तक की दूरी को आप लिख सकते हैं पी बी, इस प्रकार से पी से लेके बी तक की दूरी ये आप लिखेंगे। इसको आप चाहे तो मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार जो है आप
माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। अब हम लोग माइनस क्यू के कारण ज्ञात करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए जब माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात किया जाएगा तो यहां पर विभव की बार लिखा जाएगा वी टू से माइनस क्यू आवेश के कारण, इसलिए यहां पर माइनस लग जाएगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में आ जाएगा क्यू और बटे में ध्यान दीजिए अब की बार दूरी पी से लेके ए तक की, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं पी ए। तो ये हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर दो। अब इसके बाद जो है हम लोग बिंदु पी पर कुल विभव ज्ञात करेंगे, तो यहां पर लिखा जाएगा बिंदु पी पर कुल विभव। तो बिंदु पी पर जब कुल विभव ज्ञात करेंगे तो कुल विभव ज्ञात करने के लिए वी बराबर वी वन प्लस वी टू, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, दोनों विभव को यहां पर आपको ऐड करना है यानी कि जोड़ना है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर हम लोग वी वन और वी टू के मान रखेंगे समीकरण एक और दो से, तो अब ध्यान दीजिए यहां पर हो जाएगा वी बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में आएगा क्यू बाई पी बी, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहां पर ये दिया गया प्लस, लेकिन जब ये मान रखा जाएगा तो ये माइनस में है, तो प्लस माइनस मिल के आ जाएगा माइनस वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू में आ जाएगा क्यू बटे, अब की बार दूरी यहां पर यूज करेंगे पी ए, तो ये मान इतना हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए ये आएगा v बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर ये कॉमन लेना है आपको, इसके अलावा ध्यान दीजिए q भी कॉमन है तो यहां पर आप q भी कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर आएगा वन बटे पी बी और माइनस में आ जाएगा वन बटे पी ए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए आप इसमें इस फिगर में, यहां पर आपको ये बिंदु बताया गया था ओ इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, यानी कि ये मध्य बिंदु दिया गया था, इसके अलावा यहां पर आर दूरी पर लिया गया था बिंदु पी। तो अब ध्यान दीजिए ये मध्य बिंदु है इसलिए इस ओ से लेके प्लस क्यू की दूरी सेम है और माइनस क्यू आवेश की दूरी भी सेम है, इन दोनों के मान एल हैं और यहां पर ओ से पी तक की दूरी आर है, इसलिए यहां पर जो है ए पी और पी बी इन दोनों के मान बराबर होंगे। आपको याद रखना है यहां पर कि जो दिया गया है यानी कि पी ए बराबर पी बी, यहां पर ये दोनों दूरियां जो है वो बराबर होंगी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं कि कैसे बराबर होंगी तो आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कैसे करना है आपको। यहां पर ये आपको मान के चलना है कि ये 90 अंश है, तो ये यहां पर आपका लंब होगा, ऐसे दिया गया है, लंबार्धक बताया गया था अभी आपको, तो ये लंब है, ये आधार है और ये यहां पर इसका कर्ण है, तो कर्ण यहां पर आपको दिया गया पी ए स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, तो यहां पर कर्ण लिखा गया यानी कि पी ए स्क्वायर बराबर यहां पर हम लोग लिखेंगे लंब, यानी कि ये आ जाएगा आर स्क्वायर और इसी प्रकार आधार यानी कि ये आ जाएगा एल स्क्वायर। तो अगर यहां से हम लोग पी ए ज्ञात करेंगे तो इसका मान आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये मान पी ए का आएगा। सेम इसी प्रकार से जब आप इस तरफ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां पर फिर ये लंब होगा, आधार फिर एल होगा, आप ये दूरी ज्ञात करेंगे तो यहां पर जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पी बी का मान भी सेम यही आएगा यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस प्रकार यहां पर जो है पी ए और पी बी ये दोनों दूरियां जो है वो आपस में बराबर होंगी। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर ये हो जाएगा वी बराबर क्यू बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसके बाद वन बटे पी बी माइनस वन बटे, यहां पर ध्यान दीजिए पी ए दिया गया और पी ए किसके बराबर है पी बी के, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं पी बी। तो यहां पर ये एक प्लस में दिया गया और एक माइनस में, इसलिए यहां पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ये आ जाएगा वी बराबर जीरो। तो यहां पर विभव जो आ गया वो शून्य आ गया, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान आया शून्य। तो यही क्वेश्चन जो है पेपर में सिद्ध करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।